लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं शक्तिमान नहीं हूं, शैतान हूं। शैतान जिसका मकसद है सिर्फ तबाही फैलाना। तबाही। विश्व पर शक्तिमान का क्रूर हमला। शक्तिमान के इस अमानवीय कृत्य से मानवता चीख उठी है। शक्तिमान शैतान बन गया है। शक्तिमान या शैतान, निश्चय ही शक्तिमान शैतान बन चुका है। उसके द्वारा की जा रही तबाही तो इतनी भयानक है कि एक बार शैतान भी उसे देखकर शर्मा जाए। दुनिया के देशों की सरकारें इस घटना से बौखला उठी हैं। उनके आला अफसर और नेताओं के बीच इसी विषय पर विचार विमर्श चल रहा है कि शक्तिमान को तबाही करने से कैसे रोका जाए। Our superhero Shaktiman has turned out to be a supervillain. The man who was once upon a time termed as a savior of humanity has now suddenly become a destructor. शक्तिमान के हमले आकस्मिक ढंग से दुनिया के विभिन्न देशों पर हो रहे हैं। किसी भी देश की सेना के रडार की पकड़ में शक्तिमान अब तक नहीं आ सका है। और इस घटना ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि आज संसार में सिर्फ पाप शक्तिशाली है, जिसने सच्चाई का गला घोट दिया है। ये घटना जितनी दुखांत है उससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक और विस्मयकारी भी है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शक्तिमान जैसा शख्स ऐसा विध्वंसकारी कार्य कर सकता है। और अब दुनिया को उसके हाथों तबाह होने से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि शक्तिमान विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। जो ताकत कल तक विश्व की रक्षक थी, वही आज भक्षक बनकर विश्व को काल की तरह निगल रही है। सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक शक्तिमान अब शैतान बन चुका है। Thank you.
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शक्तिमान शैतान नहीं हो सकता। लेकिन दीदी, न्यूज झूठी नहीं हो सकती। यानी अपना शक्तिमान सचमुच शैतान हो गया? शैतान? नहीं नहीं, शक्तिमान शैतान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटी, हमेशा यही होता आ रहा है। शुरू से लेकर आज तक पाप हमेशा पुण्य से जीतता आ रहा है। लोगों के आदर्श, कर्तव्य, जीवन के मूल्य बदलते जा रहे हैं। शक्तिमान को देखा तो आशा की किरण दिखी, पर अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं भाव साहब, आप तो ऐसा मत कहिए। आशा की किरण मिटी नहीं, उस पर थोड़ी देर के लिए ग्रहण लग गया है। जब सूरज पर ग्रहण लगता है तो ऐसा लगता है कि उसकी रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन जब ग्रहण हटता है तो उसकी रोशनी फिर से चमक उठती है। देख लेना, आशा की किरण दोबारा दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी। पता नहीं कितनी देर लगेगी मेरी सारी शक्तियों को वापस लौटने में। कहीं वो पूरी दुनिया को तबाह तो नहीं कर देगा? मुझे गीता को बताना होगा, मुझे गीता को बताना होगा कि तबाही फैलाने वाला शक्तिमान मैं नहीं, मेरा क्लोन है। गीता, मेरी आवाज सुन रही हो? 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 गीता, मेरी आवाज सुन रही हो तुम? गीता, 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 मेरी आवाज सुन रही हो तुम? मेरी आवाज सुन रही हो तुम? गीता, शक्तिमान, बॉस साहब, शक्तिमान वो मुझे कांटेक्ट करना चाहता है। हाँ? क्या शक्तिमान तुमसे कांटेक्ट करना चाहता है? हाँ भाव साहब। मगर कैसे? टेलीपैथी से। ओ, टेलीपैथी से। हाँ बोलो शक्तिमान, अब तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? क्या तुम ये समझते हो कि बुराई के खिलाफ लड़ने वाले शक्तिमान का न्यूज छापने वाली गीता शैतान बने हुए शक्तिमान का न्यूज छापेगी? नहीं शक्तिमान, नहीं, मैं तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। ऐसा मत कहो, मेरी बात सुनो गीता। अब सुनने को रह क्या गया है शक्तिमान? बोलो शक्तिमान, तुमने ऐसा क्यों किया? लोगों को जीवन देने वाला शक्तिमान मौत का दूसरा नाम कैसे बन गया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी शक्तिमान? क्या तुम मौत से डर गए थे? नहीं, ये गलत है गीता। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तबाही फैलाने वाला मैं नहीं, तुम खुद देख सकती हो। तुम खुद देख सकती हो गीता, मैं तो यहां पर कैद हूं। देखने की कोशिश करो गीता, देखने की कोशिश करो, मैं यहां हूं। देखो गीता, इसका मतलब तबाही फैलाने वाले शक्तिमान तुम नहीं हो? क्या वो कोई और शक्तिमान है? हाँ गीता, तबाही फैलाने वाला मैं नहीं, मेरा क्लोन है, दूसरा शक्तिमान। बहुत साहब, मुझे पहले से ही लगा था शक्तिमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तबाही फैलाने वाला शक्तिमान शक्तिमान नहीं, उसका क्लोन है। क्लोन? शक्तिमान का क्लोन? हाँ भाव साहब, शक्तिमान का क्लोन। शक्तिमान, तुम अपने क्लोन को तबाही फैलाने से रोकते क्यों नहीं? डॉक्टर जयकाल ने मेरी सारी शक्तियां क्षीण कर दी हैं।
मुझे एक बार फिर से अपनी शक्तियों को उजागर करना होगा, जागृत करना होगा। अथ कांतं प्रवक्षामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखं अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात्। ये क्या है शक्तिमान, तुम्हारी पीठ पर रोशनी से क्या दिखाई दे रही है? ये मेरे सप्त चक्र हैं गीता, इन्हें कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति, ये क्या होता है शक्तिमान? हर इंसान के रीढ़ की हड्डी में सोई होती है यह कुंडलिनी शक्ति। मैंने इसे जागृत किया है, परंतु इसका श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में योग साधना द्वारा मैं इसे जागृत कर पाया हूँ। तो क्या कुंडलिनी जागने के बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो सकता है? हाँ, कुंडलिनी जागने के बाद कोई भी व्यक्ति असीमित शक्तियों का स्वामी बन जाता है। शक्तिमान, क्या तुम मुझे अपनी सारी शक्तियों के बारे में बताओगे? देखती रहो, तुम्हें स्वयं मालूम पड़ जाएगा। महाभक्तो भवेदिह एहि केशव भविन्नाथ जियं मुक्तो महाबली। अरे ये क्या शक्तिमान, तुम तो कई रूपों में बढ़ गए। हाँ, ये मेरे पंच महाभूत रूप हैं। हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं पंच महाभूतों वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश के मिलने से हुआ है। मैंने योग द्वारा इन्हीं पंच महाभूतों से अलग अलग शक्तियां अर्जित की हैं। पंच महाभूत? ये मेरे पंच महाभूतों के शरीर थे। मगर शक्तिमान, तुम अंतरिक्ष में कैसे खड़े हो? ये मेरी कुंडलिनी शक्तियों में से एक शक्ति है गीता। मैं आसमान पानी दलदल आग कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना गीता कि मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ और मेरी गति क्या है? हाँ? हाँ। तो क्या कुंडलिनी शक्ति से तुम दूसरों के मन की बात भी जान सकते हो? हाँ, बल्कि मैं हर प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता हूँ। और तुम्हारी नजर शक्तिमान, मेरा मतलब है तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? जहाँ तक मैं चाहूँ, जितनी दूर भी मैं चाहूँ मैं देख सकता हूँ, दीवार के पार या जमीन के अंदर भी। मेरी गति मेरे मन की गति जितनी है। मन की गति मतलब? मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से की कल्पना करते ही मैं पलक झपकते ही वहां पहुंच सकता हूँ। अब दूसरा सवाल बाद में, पहले मुझे अपने क्लोन को रोकना होगा। बस बहुत हो चुका तुम्हारा यह तबाही का खेल। ओह, तो तुम डॉक्टर जयकाल की कैसे छुटकर आ गए? सच्चाई किसी की गुलाम नहीं हो सकती, तुम्हें यह सब रोकना होगा। तुम्हारे रोके अब कुछ नहीं रुकेगा। पाप की आंधी अब इस दुनिया से सच्चाई की लौ को बुझा कर रहेगी।
आंधी चाहे कितनी ही भीषण क्यों ना हो, सच की लौ को वो कभी नहीं बुझा सकती। शक्तिमान ने अपने क्लोन को अंतरिक्ष में फेंक दिया। अच्छा? हाँ भाव साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, कितना नया एहसास है ये मेरे लिए। मैंने शक्तिमान के वो सारे रूप देख लिए जिसे इस दुनिया के किसी भी इंसान ने नहीं देखे होंगे। मैं बताऊंगी दुनिया को, तबाही फैलाने वाला शक्तिमान शक्तिमान नहीं, उसका क्लोन था। शक्तिमान ने तो दुनिया को तबाही से बचाया है। शक्तिमान, दीदी शक्तिमान आ गया। हे! शक्तिमान तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। शक्तिमान, क्या तुमने अपने क्लोन को अंतरिक्ष में फेंक दिया? हाँ। शक्तिमान, मेरे बारे में तो अब तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो चुकी होगी। हाँ नहीं, कुछ सवाल बाकी है। क्या? तुम्हारे गुरुओं ने साधना द्वारा तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाया, तो वो खुद तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे, है ना? निसंदेह, वो शक्तियों के सागर है तो मैं उस सागर की एक बूंद मात्र। तो फिर इस दुनिया से पाप हटाने के लिए उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा? वो खुद क्यों नहीं आए? और फिर उन्होंने तुम्हें शक्तिमान क्यों बनाया? तुम खुद ही कहते हो कि तुम एक आम मानव। बोलो शक्तिमान, तुम चुप क्यों हो गए? उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा? इस बात का जवाब शक्तिमान के पास भी नहीं है। शक्तिमान के पास भी नहीं है। क्या? हाँ, मुझे खुद तलाश है इस जवाब की। मेरे गुरु ने कहा है कि वक्त आने पर मुझे खुद ब खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन शक्तिमान, इस सवाल के जवाब के बिना मेरा इंटरव्यू अधूरा रहेगा। शक्तिमान।